सर, बजट पेश किया गया है सर, क्या कहेंगे आप, बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है, दूसरा ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है, तीसरा जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे में रेलवे का तो ऐसा हो गया ना, इधर का ना उधर का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे हैं या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है उसको ठीक करके, सिग्नल वाला होने दो, अटेंड करने वाले होने दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो होने दो, ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया, और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे, और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्नमेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नए दिए थे वो भी इसमें नहीं है।